तो यार आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ऑसम और अमेजिंग अपडेट्स के बारे में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना वरना तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि ज़ेन ड्रैगो एक्स ये तो यार स्यापा हो गया। इसी के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम 100K का परिवार बनना चाहते हैं ताकि हम इंडिया के अंदर एनीमे का कल्चर जो है वो हर जगह हर लोगों तक पहुंचा पाए। तो चलो वीडियो के अंदर। तो यार हाँ मैं फिर एक बार लोनावाला में ही हूँ यानी कि आज हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो अगर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही हो तो मुझे फिर एक बार माफ़ कर देना। सभी लोग अभी रेडी होने को जा रहे हैं क्योंकि वो लोग आलसी है, मैं पहले ही रेडी होकर बैठ गया। तो जब तक सभी लोग रेडी नहीं हो रहे तब तक मैंने सोचा कि थोड़ी छोटी मोटी अपडेट्स है वो मैं तुमसे शेयर कर दूँ। तो यार हमारी पहली अपडेट है स्टूडियो मैड हाउस एक नई एनीमे बनाने वाला है अबाउट द मूवमेंट ऑफ अर्थ को लेकर। तो काफ़ी अच्छी बात है। अब स्टूडियो मैड हाउस काफ़ी अच्छी स्टूडियोज़ है, इन्होंने हंटर एक्स हंटर जैसी एनिमे बनाई है। तो यार देखते हैं ये अपकमिंग एनिमे किस तरह होने वाली है। मैंने अब तक इसकी मांगा पढ़ी नहीं है तो आई हैव नो आइडिया। हमारी अगली अपडेट है कागुया सामा लव इज़ वॉर का नया एनिमे प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुका है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगी। हमारी अगली अपडेट है स्पाय एक्स फैमिली एपिसोड 10 जो था वो काफ़ी फनी था क्योंकि उसके अंदर नारुतो ड्रैगन बॉल जी हंटर एक्स हंटर के काफी सारे पैरोडी सीन्स थे। यानी कि भाई हंटर एक्स हंटर का वॉलीबॉल सीन याद ही होगा तुम्हें, ग्रीड आइलैंड वाला। तो यार उसके ऊपर काफी कुछ सीन्स बनाए गए थे। फिर ड्रैगन बॉल जी में कामेहामेहा नारुतो की यू नो शैडो क्लोन जुत्सु एक्सेट्रा के ऊपर काफी सारी पैरोडी एक्सेट्रा बनाई गई थी जो दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। यानी कि काफी ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एपिसोड था। तो अगर तुमने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, नेटफ्लिक्स पर शायद से ये आती है, स्ट्रीम होती है, तो देखकर एंजॉय कर लेना। हमारी अगली अपडेट है कागुया सामा सीजन 3 करंटली हाईएस्ट रेटेड एनिमे बन चुकी है माय एनिमे लिस्ट के वेबसाइट पर पता नहीं यार वो कब तक वहां पर रहेगी क्योंकि तुम जानते हो फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड वाले फैंस, वो लोग आकर कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। तो देखते हैं यार कब तक कागुया सामा सीजन 3 टॉप पर रहेगी। हमारी अगली अपडेट है लैम्पुट फिर एक बार कार्टून नेटवर्क पर आने वाला है सुबह के 7 बजे, तो देखकर एंजॉय कर लेना। हमारी अगली अपडेट है वी बेयर बेयर्स फिर एक बार जुलाई 3 से कार्टून नेटवर्क पर आने वाला है सुबह के 7 बजे, तो उसे भी देखकर एंजॉय कर लेना। और इस अपडेट के लिए ड्रैगीमोन का शुक्रिया। और हमारी अगली अपडेट है ड्रैगन बॉल सुपर फिर एक बार फाइनली कार्टून नेटवर्क पर आ रहा है। यानी कि तुम में से काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई ड्रैगन बॉल सुपर बंद क्यों हो गया, बंद क्यों हो गया, बंद क्यों हो गया, और फाइनली कार्टून नेटवर्क ने भाई तुम्हारी सुन ली और ड्रैगन बॉल सुपर जो है वो फिर एक बार आ रहा है कार्टून नेटवर्क पर रात के 9:30 से रात के 11:30 बजे तक। यानी कि भाई बहुत ही ज्यादा दिखा रहे हैं। अब मैं ये नहीं जानता कि ये नए एपिसोड्स होने वाले हैं, फ्रीजा वाली आर्क होने वाली है या फिर यूनिवर्स 6 vs 7, क्योंकि इसका कोई प्रोमो एक्सेट्रा कुछ बताया नहीं गया है। तो प्रॉबेबली ये पुराने ही एपिसोड्स होंगे, यानी कि जो पुराने स्टार्टिंग के एपिसोड्स थे वही ये लोग रिपीट कराएंगे, क्योंकि अगर नए एपिसोड्स दिखाने वाले होते तो इसकी प्रमोशन तो होती। तो देखते हैं क्या होता है। तो तुम लोग एंजॉय कर सकते हो फिर एक बार। हाँ मैं जानता हूँ छोटी वीडियो बन चुकी है पर यार अपडेट्स छोटे मोटे ही थे, मैंने पहले ही कहा। और आज मैं यहाँ से जाऊँगा तो घर पर अगर मैं आ जाता हूँ तो देखता हूँ यार और भी कुछ अगर अपडेट्स होती है तो मैं तुम्हें बताऊँगा। और चलता हूँ यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमाल की अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बस बाय यार एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।